क्या कहना चाहिए सर अपन? देखो, ऐसा है कि जो भी राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, ये उनकी तरफ से एक महा बलिदान है मुल्क के लिए। नंदलाल जी हमारे इस गांव के रहने वाले थे और फौज में जम्मू कश्मीर में तैनात थे और वहाँ पे शहीद हुए हैं। काफ़ी अरसा हो गया और नंदलाल जी के बाद एक हमारे माकड़ी गांव से भी एक जो जवान था वो शहीद हुआ था। और सरकार ने ये निर्णय लिया था कि उनकी यादगार में जिस गांव के रहने वाले हैं, एक तो यादगार के तौर पे बड़े बड़े शहीद गेट बनेंगे और यहाँ पे क्योंकि सरकार ने ये काम नहीं किया था तो हमने शुरू कर दिया था इस काम को। और मैं ये भी कह रहा, गुरमेल हमारे फौजी हैं, इनकी संस्था है नीचे, इनको मैंने कहा था कि हमने ये गेट बनाना है और अभी कुछ पैसा विधायक निधि से देके इसको हमने पूरा किया है। और आज ये गेट जो है वो शहीद के नाम से समर्पित हुआ है। तो मैं सारे इलाका निवासियों को आज उनको मुबारकबाद भी दूंगा कि यहाँ का सपूत जो है वो मुल्क के लिए शहीद हुआ और उनकी यादगार में ये जो द्वार है बड़ा यहाँ पे बनके जो है वो तैयार हुआ है। हमेशा के लिए उस नौजवान की हमेशा जो है वो याद रहेगी और गांव का जो है वो मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, मुल्क की रक्षा करी है। हम सभी उनके चरणों में जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज की तारीख में जो जिन जिन्होंने भी हमारी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा बलिदान है। लेकिन आगे को इसकी सोच में परिवर्तन हो रहा है मुल्क के अंदर, मैं आज के दिन उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन भारतवर्ष की जो फौज है वो सारी दुनिया में जो है वो मशहूर आज भी है और थी, और वर्ल्ड वार के टाइम से हमारे लोगों ने, समय के नौजवानों ने शहादत दी है। उसी की कड़ी में हमारा आज का कार्यक्रम भी है। मैं पुनः नंदलाल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।